इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखना है फाइंड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स फाइंड करनी है बाय रोलिंग अ रोलर। एक रोलर को रोल करना है और अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जैसे आप देख रहे हैं ये एक रोलर है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस रोलर को हमने इसके ऊपर रोल करना है जी। यहाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। व्हेन अ सिलेंडर रोल्स ऑन अ सरफेस, जब सिलेंडर रोल करेगा ना, द फोर्स रेजिस्टिंग इट्स मोशन, कोई फोर्स जो होगी ना वो फ्रिक्शन की, वो इसकी मोशन को रोकेगी। इसी रोकने वाली फोर्स को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है इस कंसिडरेबली लेस, काफ़ी कम होती है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। यानी एक चीज़ को स्लाइड करना हो ना, यानी रख के घसीटना हो, तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी और रोल करने पर कम लगती है। और ये हमने देखना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ रोलर है कितनी। इट इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जो हम अब फोर्स लगाएंगे ना, विद विच द रोलर जस्ट स्टार्ट मूविंग। जैसे ही रोलर स्टार्ट होगा ना मूव करना, वो हम फोर्स देख लेंगे कितनी है जी। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसको हमने ऑन कर दिया हुआ है। इसका प्लीज़ ऊपर वाला कवर रिमूव कीजिएगा। इसके अंदर एक पैन रखें, उसका वेट फाइंड करते हैं जी। ये पैन इसके अंदर हमने रख दिया है, ये ऊपर से देखें, और इसका वेट आपके पास आ रहा है 9.86 ग्राम्स जी। अब हमने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को लेवल करना था, उसके लिए ये सेपरेट लेवल है, ये हमने रख दिया है। तो लेवल हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है कि हमारा ये वाला बोर्ड जो है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है, ये लेवल्ड है। नेक्स्ट आपने इस पुली को ऑयलिंग करनी है। हमने इसको खोल के ना, ये नट इसका बाहर निकाल के इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ये स्मूथ चले। तो ये आपके सामने स्मूथ चल रही है। अभी आपने देखा कि ये रोलर है, ये रोलर की जो हुक है इसके साथ हमने स्ट्रिंग बांधी, दूसरी तरफ ये पैन के साथ अटैच कर दी गई है जी। प्लीज इस स्ट्रिंग को आप पुली से पास कीजिए। यस, ये पुली के ऊपर रखना है ऐसे, और इसको नीचे को हॉरिजॉन्टल सरफेस में इस तरह से आप रख दीजिए। इसको अभी इसकी मोशन जरा रोकिए थोड़ी देर जी। ये रोलर जो है ना इसके ऊपर रोल करेगा। असल में इस प्रैक्टिकल में होना क्या है कि ये जो बुक वाले आपके बता रहे हैं ना, वो कहते हैं कि इस पैन को छोड़ें, ये रोल नहीं करेगा, लेकिन ये रोल कर रहा है। इसकी भी आगे आपको वजह बताता हूँ मैं। प्लीज़ इस पैन को ज़रा छोड़ना आप नीचे। ये देखे रोलिंग कर गया। अब वजह क्या है कि ये जो रोलर है ना, इसका वेट एक तो नॉर्मल है और ये सरफेस अच्छी खासी स्मूथ है। और ये जो हमने नीचे वो पैन डाला हुआ है, उसका वेट आपको पता है 9.80 ग्राम्स था जी। देखिए ये मैस था किसका, पैन का, 9.82। अब हमने इसका वेट फाइंड करना है। वेट कैसे फाइंड करते हैं, मैस को और जी को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जी की वैल्यू 10 होती थी, 10 होती है जी। तो ये मैस था हमारा ग्राम्स में, इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया, और केजी में जो मैस होता है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो इस तरह इसका वेट आ गया 0.098 न्यूटन। किसका वेट, पैन का। अब आप इस टेबल को फिल करें। ये टेबल आपको कह रहा है वेट प्लेस्ड इन द पैन, वो तो हमने पैन में कुछ भी नहीं रखा था, इसलिए आप इधर जीरो ही रखेंगे, क्योंकि हमारा पैन खुद ही मूव कर रहा था। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फिर कितनी आएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन में दो चीजें लिखनी थी, इन टोटल वेट। वेट किसका, एक तो M1G ये जो पैन का है, और दूसरा M2G जो उसके अंदर हमने रखना था, हमने तो कुछ भी नहीं रखा। तो इसलिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इतनी ही आप लिख देंगे, M1G जो ऊपर ये लिखी हुई है। लें जी, ये आ गई। अगर हम इसको दोबारा भी करेंगे तो फिर भी यही वैल्यूज ही आनी है हमारी, इसलिए हमारी एवरेज वैल्यू भी यही आएगी। तो ये आपने देख लिया कि एवरेज वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.098 ग्राम आ गई। ये ना आप नोट करें, पिछले प्रैक्टिकल में हमने जब स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड की ना, वो 0.45 न्यूटन थी, ये काफ़ी ज़्यादा थी। और अब जो आई है, देखिए जीरो के बाद फिर एक 0.98 है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना रोलिंग के लिए, इसकी वैल्यू कम होती है। और इधर भी आपके पास लिखा है रोलिंग फ्रिक्शन इज कंसिडरेबली लेस, ये कम होती है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि रोलिंग में चीज़, ये जो हमारा सिलेंडर है ना, ये रोल कर रहा था, इसको स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं। जो कोई कहीं भी ऐसे कोई चीज़ स्लाइड करती ना, तो उधर इसकी फ्रिक्शन कम ही होती है।